हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट जेएससी। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। काफ़ी दिनों से जो हरियाणा में वैकेंसी की इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्हीं के लिए अपडेट है। यहाँ पर 6400 पदों पर बहाली निकाली गई है। और इसमें पोस्ट क्या है, तो ये मैं आपको पहले ही डिक्लेयर कर देता हूँ। इसमें पोस्ट है पुलिस कॉन्स्टेबल और SI का। काफ़ी दिनों के बाद जो है वैकेंसी निकली है, तो इसीलिए आपको जो है पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, स्टेप वाइज सारा चीज़ देखना है, ताकि आपको पूरा पता चल सके क्या इसमें क्वालिफिकेशन बताया गया है, क्या इसमें एग्ज़ाम फी बताया गया है और क्या इसका लास्ट डेट है। तो इन सारे बातों को जानेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए देख लेते हैं क्या है अपडेट इसमें हरियाणा सरकार के द्वारा निकाले गए पुलिस कांस्टेबल और SI की वैकेंसी के बारे में। इसमें हम पूरा डिटेल में जान लेते हैं क्या आपको इसमें ज़रूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर दिया है। देखिए यहाँ पर 6/2019 दिया गया है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लाया गया है। और यहाँ डेट ऑफ पब्लिकेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ 9 जून इसका डेट बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, तो 12 तारीख से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। और इसको जो है कब तक कर सकते हैं, तो 26 तारीख तक, 26/6/2019 तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट जो है इसका फी पेमेंट का बात अगर करें, तो डिपॉजिट जो है 28 तारीख तक आप कर पाइएगा। तो यहाँ पर यही जो है डेट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट था आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे, यहाँ पर क्या क्या दिए गए, सारे पेज नंबर में दिए गए हैं, किस पेज में आपको क्या मिलेगा, ये सारे यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में। तो यहाँ आप नीचे स्लाइड करना देख लीजिए, यहाँ पर जो है 6400 पदों पर, कितना 6400 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे। जो है यहाँ फॉर्म आपको जो भरना है उसके बारे में दिया गया, पूरा जनरेट दिया गया है। ई चालान से आपके जो है किसी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं उसके बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ आप नीचे यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट नोट्स कुछ दिए गए हैं, आप इसको केयरफुली पढ़ लीजिए, ताकि आपको बीच में किसी तरह की परेशानी ना हो। और अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे नीचे थोड़ा स्लाइड कर लेना है, ताकि आपको पूरा पता चल सके। देखिए यहाँ पर पूरा पोस्ट का जो है क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा के बारे में दिया है। देखिए पहला जो पोस्ट निकल के आ रहा है मेल, तो मेल कॉन्स्टेबल के लिए निकल के आ रहा है। तो इसमें जो है 5000 पोस्ट दिए गए, कितने 5000 पोस्ट दिए गए हैं। जबकि फीमेल के लिए, यहाँ देखिए फीमेल के लिए 1000 पोस्ट हैं, GD पोस्ट है। और देखिए आगे क्या दिया गया है यहाँ पर, इन दोनों पोस्ट के लिए जो है आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपको पास होना चाहिए। और यहाँ पर मैट्रिक विथ हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और हायर। तो यहाँ पर जो है हिंदी या संस्कृत आपको आना अनिवार्य होगा, सब्जेक्ट होना अनिवार्य होगा। इन दोनों वैकेंसी के लिए हाइट आपको क्या चाहिए, चेस्ट क्या चाहिए, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर 170 सेंटीमीटर चाहिए आपका, यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 83/87 ये देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए। यहाँ पर 83/87 दिया गया है, और 4 सेंटीमीटर जो है फुला करके आपको दिखाना है, 83 और 4 87 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए और 168 सेंटीमीटर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी, यहाँ पर जो कैटेगरी यहाँ पर रिजर्वेशन प्राप्त करेंगे, तो उनको 168 तो आना ही चाहिए। साथ ही जो है छाती के बारे में अगर बात करें, तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होगा। जबकि फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर, है ना, 158 सेंटीमीटर का हाइट होना जरूरी होगा। चेस्ट का कोई यहाँ पर बात नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 156 सेंटीमीटर फॉर एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेशन फॉर द टाइम ऑफ एडमेंट, ये दिया गया है। आगे देखिए क्या दिया यहाँ पर, तो ये सारे थे ए और बी के लिए था। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया था पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा, तो यहाँ पर मेल के लिए और फीमेल के लिए दो चीज़ के लिए दिया गया था। तीसरा जो पोस्ट निकल के आ रहा है वह है सब इंस्पेक्टर का।
तो सब इंस्पेक्टर का कितना वैकेंसी है देखिए, यहाँ पर 400 वैकेंसी, कितना 400 वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 144, एससी के लिए 72, बीसीए के लिए 56, बीसीबी के लिए 32 और ईडब्ल्यू के लिए 40। और यहाँ पर जनरल के लिए 28 सीट रिजर्व किए गए हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर इसके बारे में बात करें, एसआई के बारे में, तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना जरूरी होगा। साथ ही जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होगा, हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज में से एक आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी से हैं। और चेस्ट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 83 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होगा और फुला करके 4 सेंटीमीटर और फुलाना होगा। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर और फुला करके बढ़ाना होगा अपना चेस्ट को। तो ये अपडेट है, काफ़ी बड़ी अपडेट है। यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन वगैरह आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए पे स्केल इसमें मिलने वाला है। सो आपको 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए कैटेगरी ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पर कैटेगरी नंबर ऑफ पोस्ट 1 और 2 के लिए 100 रुपये फ़ी लगेगा और कैटेगरी 3 के लिए एसआई के लिए आपको यहाँ पर 150 रुपया देना पड़ेगा। फीमेल नॉन रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, तो ये जो है जो नॉन रेसिडेंट ऑफ हरियाणा है तो उनके लिए है। अगर आप जो है फीमेल हैं हरियाणा के तो आपको 50 रुपया ही देना है, और अगर आपका एक्स सर्विसमैन है तो आपको 75 रुपये देना है, नहीं देने हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ देखिए नहीं देने, खाली है यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी जो है एग्ज़ाम का फी जो है काफ़ी कम है, जबकि दूसरे स्टेट में यही जो है वैकेंसी का जो फी होता है ओवर देन जो है 500-400 तो रखा ही जाता है। तो आप इसको इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी कम फी है। यहाँ पर देखिए नॉलेज टेस्ट 80% वेटेज होगा, यहाँ पर आपका 80% क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए पूरा। तो यहाँ पर देखिए आपको 0.8 मार्क्स ईच ऑफ दिस मिलेगा और 90 जो है यहाँ पर ड्यूरेशन, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा और 80 मार्क्स जो है कंपोजिंग आपको करना अनिवार्य होगा। तो ये सारे बातों को जानना काफ़ी अनिवार्य था आपके लिए। यहाँ पर अगर दौड़ के बारे में बात करें, फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट को 2.5 किलोमीटर दौड़ना होगा, जबकि 12 मिनट में, कितना 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में दौड़ना है, जबकि फीमेल को जो है 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है। काफ़ी जो है अच्छी यहाँ पर फिजिकल टेस्ट का भी क्राइटेरिया दिया गया है, आप इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। साथ ही जो यहाँ पर वेटेज जो बारे में बताया गया है, इन सारे नोटिफिकेशन को आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि मैं हर स्टेप को अगर आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो काफ़ी जो है समय लगेगा और आप वीडियो देखते देखते बोर भी होने लगोगे। तो इसीलिए मैं शॉर्ट में वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट टू अपलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा, यहाँ पर साइन लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाला जो भी आपका